हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन हेवन। फ्रेंड्स, आज मैंने अपनी बालकनी बहुत अच्छे से सारे जो पौधे हैं उनकी जैसे गुड़ाई की है। ये देखिए, सबकी अच्छे से मैंने गुड़ाई करके उनको अच्छे से जैसे वो जो सूखे पत्ते थे वो सारे निकाल के और अभी वाटरिंग करी है। और देखिए प्लांट्स कितने हैप्पी दिख रहे हैं, ये देखिए। और जैसे ये जो प्लांट्स हैं ये मैंने ग्रुप बना दिया, इनका ग्रुप में रख दिए हैं ताकि जैसे सर्दियों में इन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। अभी जैसे मेरे प्लांट्स को देखिए, आप प्रॉपर इनको धूप मिल रही है साइड से, इस साइड से सभी प्लांट्स को प्रॉपर धूप मिल रही है। इनमें सुबह की भी धूप आती है और शाम की भी धूप आती है। अभी देखिए, इनको मैंने अच्छे से वाटर दे दिया है, अच्छे से सभी प्लांट्स की कांट छांट की है आज। जो एक्स्ट्रा सूखे उनके पत्ते थे वो सब निकाल दिए और गमलों में मैंने गुड़ाई कर दी अच्छे से, क्योंकि विंटर्स में हम फर्टिलाइज़र तो इनमें डालते नहीं हैं, ना ही कोई दवाई डालते हैं। बस इनका यही ध्यान रखना है कि इन प्लांट्स की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो उनको टाइम टू टाइम अच्छे से उनकी गुड़ाई करके, और जैसे आज संडे था तो मैंने सबकी गुड़ाई करके उनमें अच्छे से पानी डाल दिया है। और जो जैसे जो पौधे इधर उधर भाग रहे थे उनको सबको अच्छे से काट के और बांध दिए हैं, अच्छे से सबको एडजस्ट कर दिया है। देखिए, अब ये सारे एकदम से मैंने ऐसे रख दिए हैं कि इन पर जैसे ग्रुप बना के, झुंड बना के इन प्लांट्स का रख दिया है, तो इनको ज़्यादा ठंड का इन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे तो हैप्पी रहते हैं। ये सारे मैंने ग्रुप में रख दिए हैं, इधर भी मैंने ये सारा एक दूसरे के साथ जैसे ग्रुप बना के उसमें रख दिए हैं और अच्छे से इनको साफ करके इनके गमलों में अच्छे से गुड़ाई कर दिए है। और जैसे आज पानी दे दिया है मैंने, अच्छे से इनको भर के पानी दे दिया है और इनके ऊपर अच्छे से मैंने शार्पनिंग कर दी है, मोटर से शार्पनिंग कर दी है। तो अभी एक वीक के लिए ये पौधे अच्छे रहेंगे, मतलब इनको पानी की कमी नहीं रहेगी। और ये जैसे देखिए, आज मुझे अपने जो जितने भी प्लांट्स हैं बहुत हैप्पी दिख रहे हैं, इनकी हैप्पीनेस आप भी फील कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितने हैप्पी हैं ये। बस फ्रेंड्स, सर्दियों में आपको यही केयर करनी है अपने प्लांट्स की कि उनको प्रॉपर ऐसे धूप मिलती रहे, उनकी जो मिट्टी है उनकी गुड़ाई होती रहे और उनको ज़्यादा पानी नहीं, जितना चाहिए होता है उतना पानी मिलता रहे, तो ये पौधे आपके हैप्पी रहेंगे। और जैसे ही सर्दियों के बाद मौसम थोड़ा सा अच्छा होगा ना, तो ये अपने आप ही मतलब अच्छे होना स्टार्ट हो जाएंगे, तब आप इनमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। बस फ्रेंड्स, इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे किसी और टॉपिक पे बात करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।